उसके कंपटीशन को देख के बार बार ड्रॉप लेते हैं, तो उन बच्चों को सर क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि अब ये एक ऑप्शन भी है आपके लिए कि डिग्री की वैल्यू सेम है और सारी गेट ऑफ एंट्री सेम है, तो उन बच्चों को ड्रॉपर्स को क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा अगर बच्चे में गट्स है, बच्चा के अंदर फीलिंग है, भाई करना चाहता है, तो आंख बंद करके विपुल सर से एक बार मिल लो, बस एक मीटिंग मेरे कहने से कर लो, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सपने पूरे करेंगे। तो अगर आप हमारी कन्वर्सेशन कहीं से शुरू हो के और कहां पे हमारा जर्नी एंड हुई है, तो हम जैस्मिन से जानना चाहते हैं कि MBBS अब्रॉड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा इनिशियली सपना तो यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि पहले तो मैं आइल्स कर रही थी क्योंकि मेरे को लगा इम्पॉसिबल अब तो डॉक्टर बनना, तो मैंने सर को कॉन्टैक्ट किया आइल्स के लिए, इन्होंने बताया कि ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगेगी, वैसे में फिर भी सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं था कि मेरे को डॉक्टरी के बारे में बताया, कभी कभी हमारी कन्वर्सेशन जाती थी कि नहीं जाना कि ए वैलिड एंड वैलिड है, सब होता था, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा होता है, मतलब काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, और मैंने बहुत अच्छे से डिसीजन लिया, काफ़ी बार मैं बहुत नर्वस हुई अपने डिसीजन को लेके काफ़ी बार, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ। तो हम सर से जानते हैं कि सर का एक्सपीरियंस डॉक्टर एडिसन के साथ कैसा रहा, और सर जो हमने आपसे प्रॉमिसेस किए थे क्या हम उन प्रॉमिसेस पे अभी तक खरे उतरे हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई थी क्या वैसे ही आपको मिली, हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी थी या नहीं थी? सर नहीं सर बिल्कुल थी, मैं पहले यहाँ मुगल के नाम पे काफ़ी एजेंट है जो ये काम करवाते हैं उनसे घूमा फिरा, मीटिंग हुई, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था, अंदर से एक फील नहीं थे नहीं, तो फिर मैं जैसे यहाँ पर आया पहली बार आपका नेचर देखे आपकी बोलने की या जो आपका था, तो 99% तो वहीं हो गए थे, फिर मैंने लड़की मैं चल बेटा तो मैं अपना सपना पूरा कर, मेरी तो पॉकेट देखी जाएगी और क्या होगा, लोन ले लेंगे या ब्याज पर उठा लेंगे पैसा, भाई आप अपना सपना पूरा करो, कल को ये अगर फिर 5 साल बाद हम पछताते हैं फिर इस चीज़ का, तो आपके सर ऑफिस में ना आपके जो चीज़ देखी आपको बिल्कुल जेन्युइन 100% अच्छा लगा। तो सर आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर इतने ही बजट में BMS होती है 25 लाख रुपए में के फीस में, और इतने बजट में हम विदेश में पढ़ रहे हैं, बाकी सर लिविंग कॉस्ट तो अलग रहती है सर सारी जगह, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो MBBS छोड़ के कि या तो करोड़ों रुपए की फीस देख के डर जाते हैं, या तो देखते हैं कि 21 लाख में से केवल 1 लाख बच्चों ने एडमिशन मिलना, उसके कंपटीशन को देख के बार बार ड्रॉप लेते हैं, तो उन बच्चों को सर क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि अब ये एक ऑप्शन भी है आपके लिए कि डिग्री की वैल्यू सेम है और सारी गेट ऑफ एंट्री सेम है, तो उन बच्चों को ड्रॉपर्स को क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा अगर बच्चे में गट्स है, बच्चा के अंदर फीलिंग है, भाई करना चाहता है, तो आंख बंद करके विपुल सर से एक बार मिल लो, बस एक मीटिंग मेरे कहने से कर लो, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सपने पूरे करेंगे। तो अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही डॉक्टर एडिसन से संपर्क करें, हम पिछले 11 साल से आपको ये सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले समय में भी हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।